नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विधान सभा दा 28 फरवरी तक चलण वाला बजट इजलास अज तो शुरू। केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा अथॉरिटी दा गठन अप्रैल दे पहले हफ्ते विच करेगी। विश्व पद्धर ते अतवाद फंडिंग ते नजर रखने वाली कौमांतरी निगरान संस्था के मैंबर ने पाकिस्तान नूं अतवाद फंडिंग रोकने लई कीती ताड़ना। तमिलनाडु विच दो वख-वख सड़क हादसों विच छे औरतां समेत 26 व्यक्ति मारे गए ते 28 तो वध होए जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधानसभा का 11वां इजलास आज तो शुरू हो रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इजलास दौरान साल 2020-21 बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ तो मिली जानकारी अनुसार आज विछड़ियां रूहां को श्रद्धांजलियां भेंट करने मगरों बाद दोपहर प्रश्नकाल से ध्यान दुआऊ मते की कार्रवाई चलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी हदायतों मगरों वित्त विभाग ने पंजाब राज बिजली निगम सरबत सेहत बीमा योजना प्रधानमंत्री पेंडू आवास योजना ते जल सप्लाई के वख-वख प्रोजेक्टों 570 करोड़ रुपए जारी किए ने। कल चंडीगढ़ में यह जानकारी देंदे मुख्यमंत्री दफ्तर के एक बुलारे ने दस्या कि किसानों खेती ट्यूबवैलों से दी जाती सबसिडी लई पावरकॉम नूं 400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसे तरह सरबत सेहत बीमा योजना तहत 135 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिस नाल बीमा कंपनी नूं दूजी किश्त की अदायगी की जानी है। जिक्रयोग है कि इस स्कीम अधीन 45.89 लाख परिवारों नूं शामिल किया गया है, जो सूबे की लगभग 75% आबादी के बराबर है। हुण तक इस स्कीम अधीन 181.55 करोड़ की लागत नाल 1.57 लाख लाभपात्रियों का इलाज किया जा चुका है। बुलारे ने दस्या कि प्रधानमंत्री पेंडू विकास योजना लई 27 करोड़ रुपए अते सूबे विच जल सप्लाई दे वख-वख प्रोजेक्टां लई 15 करोड़ रुपए जारी किए गए ने, तां जो लोकां लई पीण योग पानी मुहैया करवाउणा यकीनी बनाया जा सके। केंद्रीय कैबिनेट की कल नवी दिल्ली विच हुई मीटिंग दौरान कई अहम फैसले लए गए। मीटिंग मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्या कि कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन के दूजे पड़ा ODF प्लस की शुरुआत नूं हरी झंडी दित्ती। मीटिंग विच 22वें कानून कमिशन के गठन का भी फैसला किया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने दस्या कि तकनीक के आधार से चंगे शासन लई ताकती ग्रुप बनाउण का भी इस मीटिंग विच फैसला लिया गया। इस तों इलावा 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाउण नूं भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। जावड़ेकर ने दस्या कि किसानां दे जीवन विच सुधार लिआउण लई अहम फैसले लए गए। चिट्टी क्रांति नूं अगले पद्धर तक लिजाण का फैसला लिया गया। उन्होंने दस्या कि केंद्रीय कैबिनेट ने डेयरी सैक्टर लई 4,558 करोड़ रुपए की स्कीम नूं प्रवानगी दी। फसल बीमा योजना विच किसान हित सुधार लिआउण का फैसला भी लिया गया। उन्होंने दस्या कि फसल बीमा योजना नूं स्वै इच्छा वाली योजना बना दिता गया है। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी की 2014 से बेहद लोकप्रिय जन आंदोलन रहा है स्वच्छ भारत, जिसमें देश के सभी लोग, संस्था, गांव, शहर, कस्बे और सरकार की सारी एजेंसियां ये पूरी तरह से जुटी है। और इसलिए आपने देखा 5 साल में देश ओपन डिफेकेशन फ्री हो गया। केंद्रीय खुराक ते जनतक वंड बारे मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा अथॉरिटी का गठन इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते विच कर दिता जाएगा। कल नवी दिल्ली विच उद्योगपतियां नाल इस अथॉरिटी की भूमिका ते काम बारे गलबात करन मगरों पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि खपतकार सुरक्षा कानून 2019 तहत कायम की जाने वाली यह अथॉरिटी खपतकार अधिकारां, गुमराहकुन विज्ञापनां ते अनुचित व्यापार ते नकली पदार्थों की विक्री नाल संबंधित मामलों का हल करेगी। पासवान ने कहा कि अथॉरिटी की छतर छाया हेठ एक जांच शाखा भी कायम की जाएगी, जो अनुचित व्यापार के तौर तरीकों से गुमराहकुन विज्ञापना संबंधी मामलों की पड़ताल करेगी। उन्होंने कहा कि खपतकार सुरक्षा कानून संबंधी नियमों को भी 1.5 महीने अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उद्योगपतियों नाल मीटिंग दौरान पासवान ने ई व्यापार और समान की सीधी विक्री नियमबद्ध करने की लोड़ पर भी जोर दिया, क्योंकि इस वेले इस संबंध में कोई भी नियम मौजूद नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल विचले इंडियन पवीलियन का उद्घाटन किया। इस फिल्म फैसटिवल विच सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों चुनिया 3 फीचर फिल्मा ते एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। इस तों पहलां डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन के अपने हमरुतबा हैकोमास नाल मीटिंग दौरान धन्नवाद करदिआं भारत ते यूरपी यूनियन विचाले होर सहयोग वधाउण लई प्रशंसा की।
आकाशवाणी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात 23 फरवरी नूं प्रसारित होवेगा। मन की बात प्रोग्राम दी ये 8वीं कड़ी होएगी। इस विच प्रधानमंत्री जिथे अपनी सरकार दे अहम प्रोग्रामां दी चर्चा करदे ने, उत्थे मुल्क नूं दरपेश होर वख-वख समस्यावां ते मुद्दयां ते भी चर्चा करदे ने। इस तों इलावा प्रधानमंत्री देश भर तों वख-वख वर्गां दे नागरिकां वल्लों पुछे गए सवालां दा जवाब भी दिंदे ने, जिस करके मन की बात प्रोग्राम हुण होर भी ज़्यादा प्रचलित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस महीने दे प्रोग्राम लई लोकां तों विचार मंगे ने, तां जो ओह उहनां दी पसंद दे विशेआं नूं अपने प्रोग्राम में शामिल करके उन्हें चर्चा कर सकन। लोग अपने मैसेज 1800117800 से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इस तो इलावा वो नमो ऐप ओपन फॉर्म या माई गोव से भी सुनेहे भेज सकते हैं। टैलीफोन नंबर 1922 से मिस्ड कॉल देने मगरों प्राप्त होने वाले SMS से दर्शाए लिंक राही भी सुझाव दिए जा सकते हैं। ये सुझाव शनिवार तक दिए जा सकते हैं। विश्व पद्धर ते अतवाद फंडिंग ते नज़र रखने वाली कौमांतरी निगरान संस्था FATF दे सारे मैंबरां ने पाकिस्तान नूं सख्त संदेश दिंदिआं आंदे जून तक अतवाद फंडिंग रोकण लई कीते सारे वादिआं नूं पूरा करन लई ताड़ना कीती है। कौमांतरी निगरान संस्था दा मैंबर तुर्की इस विच शामिल नहीं है, पर पाकिस्तान दे दोस्त देश चीन ते साउदी अरब ने अमरीका, भारत ते यूरपी देशां नाल मिल के पाकिस्तान नूं अतवाद फंडिंग बंद करन लई कहा है। यह जिक्र योग है कि अतवाद फंडिंग ते काबू पाउण विच नाकाम रहण कारण पाकिस्तान नूं ग्रे सूची विच रख्या गया है। पंजाब दे किसानां ने देश विच हरी क्रांति विच बहुत वड्डा योगदान पाया ते इस वेले केंद्रीय पूल विच पंजाब दा किसान 60% अनाज दी पूर्ति कर रहा है। पर पंजाब दे किसान खेतां विच खादां दी बेलोड़ी वरतों लई भी खेती विज्ञानियां दे निशाने ते रहे ने। जरूरत तों वध जां बेलोड़ियां खादां अते कीटनाशकां नाल पंजाब दी जरखेज जमीन विच जहरीले तत्तां दा वाधा देखण नूं मिल रहा है, जो सारिआं वास्ते इक चिंता दा विशा है। केंद्र सरकार वालों 2015 विच सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम लियांदी गई, जिस तहत किसानां दे खेतां दी मिट्टी दी परख तों बाद जमीन विच मौजूद तत्तां दे हिसाब नाल ही खादां ते कीटनाशकां दी वरतों करन दी रवायत शुरू होई है, जिस दे पिछले कुछ सालां विच चंगे सिट्टे नज़र आए ने। मिट्टी दी जांच करवा के खेती करन नाल किसान सही मिकदार विच अते सही खादां इस्तेमाल करदे ने। जिथे केंद्र सरकार ने इस तरह की विज्ञानक खेती नूं उत्साहित किया, उत्थे जैविक खेती ते भी जोर दिता जा रहा है। सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करन दा सुपना भी पूरा हुंदा नज़र आ रहा है। पंजाब विच अजे बहुत प्रतिशील ते अगांहवधू किसान ने जिन्होंने सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम का सही मायनों में फायदा उठाया है। प्रसार भारती के बठिंडा स्थित नुमाइंदे अमृतपाल सिंह अनुसार बठिंडा जिले के 1,20,394 किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की गई ते भूमि सेहत कार्ड बनाए गए। जिले के पिंड भागू के अगांहवधू किसान मेजर सिंह ने दसा कि सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम नाल उन्होंने बहुत लाभ होया है। उन्हों का कहना है कि वह हुण यूरिया की वरतों घट कर रहे हैं, सही मात्रा में कीटनाशकों की वरतों करते हैं, जिसके सिट्टे वजो उन्होंने आमदन में वाधा होया है। सेहत कार्ड बनया जी, ये तो सानू पता लग जाता भी साड़ी बाण दे विच की तत्त की घाट है, हरी खाद की लोड़ है या रूड़ी वाली खाद की लोड़ है, फिर वो मुताबिक बाण दे विच तत्तां की पूर्ति करते हैं। वो तत्त पूरे होने नाल सानू जिवें यूरिया वगैरह की डोज घट देनी पैंदी है, वो घटन दे नाल ही साड़ी जिहड़ियां फसल दे कीड़े मकौड़े है वो भी घटदे है मेरे हिसाब नाल। तां एक होर किसान चूहड़ सिंह ने दसिया कि सोयल हैल्थ कार्ड बनाने नाल उन्होंने भूमि की उपजाऊ शक्ति बारे सही जानकारी मिलती है। उसका कहना है कि भूमि भी मनुखी शरीर की तरह होंदी है, इसकी भी जांच करवानी जरूरी है, ता ही सानू पता लगता है कि मिट्टी विच केड़े तत्तां दी घाट है। जमीन नूं जिहड़ी इहदी परख है, जिवें अपने बंदे दे शरीर दे विच परख करदे हां कि आपां तत्त किहड़ा सैल वध गए किहड़े घट गए, इसे तरह जमीन भी इक साडी माता हैगी, इहदे विच भी सानू देखणा पैंदा हैगा, टैस्ट करवाउणे। इसे तरह एक होर अगांहवधू किसान जगमीत सिंह ने कहा कि ज़्यादा खाद पाउण नाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी घटती है, खर्चा वध हुंदा है। इस विच कोई शक नहीं है कि भूमि सेहत कार्ड बनने तो बाद किसानों की आमदन वधी है। बंदे ने मिट्टी चैक कराई सी, उन्होंने बंदियां ने हुण फसल बीजी भी हैगी, सानू मिट्टी तो ऐ पता लग जाता भी इहदे विच किहड़ी चीज़ की नाइट्रोजन की घाट है। जां मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर गुरदित्ता सिंह ने कहा कि लैबोरेटरी विच मिट्टी का निरीक्षण करन उपरंत कार्ड उपर लिखा जाता है कि मिट्टी विच जिंक, लोहे ते नाइट्रोजन की मात्रा किन्नी है, ते उसे हिसाब नाल किसानां नूं खादां ते कीटनाशक वरतन की सलाह दी जाती है। अयोध्या विच श्री राम मंदिर दे निर्माण लई बनाए गए श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट की पहली मीटिंग कल नवी दिल्ली विच हुई। इस मीटिंग विच फैसला लिया गया कि मंदिर निर्माण बारे फैसला लैण लई एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस दे मुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे साबका मुख सकत्तर निरपेंद्र मिश्रा होणगे। महंत नृत्या गोपाल दास नूं ट्रस्ट का मुखी बनाया गया ते चंपत राय नूं सकत्तर थापिया गया है। 15 मैंबरी इस ट्रस्ट का गठन नवंबर विच अयोध्या विवाद ते सुप्रीम कोर्ट वल्लों दित्ते फैसले अनुसार कीता गया है।
तमिलनाडू के तिरुपुर में एक बस से ट्रक विचाले हुई सीधी टक्कर में छह औरतों समेत 20 मुसाफरों के मारे जाने की खबर है। यह सड़क हादसा तमिलनाडु के तिरुपुर में उस वेले होया जदों हादसाग्रस्त बस बंगलुरु तो तिरुवनंतपुरम जा रही थी। हादसा अज तड़के 4:30 बजे होया। बस में 48 मुसाफर सफर कर रहे सन, जिन्हों में 19 मुसाफरों की मौके पर ही मौत हो गई, कई होर जख्मी हो गए हैं। तमिलनाडु के ओलानूर में एक होर हादसे में 2 बसों विचाले टक्कर होने नाल हुए हादसे में नेपाल के 6 यात्री मारे गए, 28 होर जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रों ने सालेम में दस्या है कि 34 यात्रियों का जत्था कन्याकुमारी घूमन तो बाद बस में काठमांडू तो राजस्थान जा रहा है। रस्ते में ओलानूर नेड़े बस ड्राइवर वालों लेन बदलन वेले सामने पासे आउंदी बस नाल टकराण कारण यह हादसा वापरिया। इस खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। आगे दिओ, नमस्कार।